निगम ने लगाई फटकार मीडिया को। अपने एक वीडियो में सोनू निगम ने न सिर्फ मीडिया को खरी खोटी सुनाई है, बल्कि नेम्स कॉल आउट किए हैं उन वेबसाइट्स के जिन्होंने सोनू निगम के बारे में गलत तरह से खबर को प्रेजेंट किया है। सोनू निगम जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो अपनी वीडियोस में लोगों के नाम कॉल आउट करके हमेशा बताते हैं, उनकी असलियत उजागर करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सोनू निगम ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रिब्यून करके एक जो वेबसाइट है उसने सोनू निगम पर एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि किस तरह से सोनू निगम ने कहा है कि वो अपने बेटे को सिंगर नहीं बनाना चाहते हैं और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। इस आर्टिकल में ट्रिब्यून ने ट्रोल्स के भी कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं जिसमें ट्रोलर्स ने सोनू निगम को ट्रोल किया है कि जिस इंडिया ने उन्हें इतना बड़ा बनाया है वहीं के लिए वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ऐसे में उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अब सोनू निगम ने वीडियो बनाया है जिसमें सोनू निगम ने ट्रिब्यून के एडिटर को पिंप कहा है, दल्ला कहकर बुलाया है और कहा है कि तुझे नींद कैसे आती है। उसके बाद सोनू निगम कहते हैं कि मेरा बेटा मल्टी टैलेंटेड है, उसकी मर्जी आएगी वो काम वो करेगा, वो गाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंगर ही बनेगा। तुम इतने लेफ्टिस्ट हो गए हो कि तुम्हें अपना राइट हैंड भी रॉन्ग नजर आता है और मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन पाओगे, एक ट्रू इंडियन। इसके आगे सोनू निगम कहते हैं कि नेपोटिज्म की डिबेट में तुमने बहुत कहा कि एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, सिंगर का बेटा सिंगर, लेकिन मैं अपने बेटे को इस प्रोफेशन में नहीं झोंकूंगा। और इस बात पर तू कंट्रोवर्सी मत खड़ी कर, बल्कि इस बात की तू सराहना कर, तारीफ कर, पॉजिटिव वे में बता। इसके आगे सोनू निगम जहां पर बैठे होते हैं वहां क्या कुछ सीन दिखाते हैं। सोनू निगम हिमालयाज में हैं और वहां से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाते हुए सोनू निगम ट्रिब्यून के एडिटर को कहते हैं कि ये देख, ये मेरी लाइफ है, मैं ऐसी जिंदगी जीता हूं इतनी लग्जरी कि ऐसी लाइफ के बारे में तो तू सोच भी नहीं सकता है। सिर्फ ट्रिब्यून ही नहीं बल्कि दो और वेबसाइट्स के नाम सोनू निगम ने कॉल आउट किए हैं, न्यूज 18 और लोकमत का नाम लेते हुए सोनू निगम ने कहा है भौंक मत। कुछ इस तरह से सोनू निगम ने अपने लेटेस्ट वीडियो में मीडिया के नेम्स कॉल आउट किए हैं और मीडिया को लैश आउट किया है। ये पहली बार नहीं है जब सोनू निगम अपने वीडियो में पर्सनली नेम्स कॉल आउट कर रहे हैं। इसके पहले भी सोनू निगम डायरेक्ट भूषण कुमार पर काफी इल्जाम लगा चुके हैं। हालांकि कई बार सोनू निगम को इसका जवाब मिलता है, कुछ लोग इसको इग्नोर करके आगे भी बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, सोनू निगम जो कि इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, क्यों अचानक से सोनू निगम को इतनी नफरत हो गई इन लोगों से? क्यों सोनू निगम अब अपना एक पर्सनल चैनल बनाकर इन लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं और इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।